हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 29 विषय गणित कक्षा 10 हमारी डेट 15 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में हम दूरी सूत्र के अनुप्रयोग। जो हमने दूरी सूत्र पढ़ा था उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहला कि जितनी मान लीजिए सभी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करके निर्देशांक तल पर बहुभुजों का परिमाप ज्ञात करना। जितनी भी आपकी भुजाएं हैं उनकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो बहुभुजाएं हैं उनका परिमाप पेरीमीटर निकाल सकते हैं उनको जोड़कर, ठीक है। दूसरा कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, आधार और ऊंचाई जैसे प्रमुख रेखा खंडों की लंबाई ज्ञात करके हम बहुभुजों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स मान लो आपको निर्देशांक दे रखे, निर्देशांक से हम क्या करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, भुजाएं निकालेंगे, भुजाएं निकालने के बाद चाहे उसका क्षेत्रफल पूछा है, परिमाप पूछा है, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा, सभी पक्षों या विकर्णों की लंबाई का योग ज्ञात करके एक निर्देशांक तल पर बहुभुजों के प्रकार को ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार का आपका बहुभुज है वो हम पता लगा सकते हैं कि वो पैरेललोग्राम है, वो समानांतर चतुर्भुज है, कैसा है वो हम कर सकते हैं। आयतन है तो यहाँ से इस तरीके आयत है सॉरी, तो उसके विकर्ण जो है उनको हम माप कर विकर्ण निकाल सकते हैं। और विकर्ण से हमें ये पता लग जाएगा कि वो क्या है, वो वर्ग है, आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज है, ये हम पता कर सकते हैं दूरी सूत्र से। चौथा, ज्ञात करना कि दिए गए तीन बिंदु संरेख हैं या फिर एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपको आप जो आपका ट्रायंगल है, ठीक है, जो आपका त्रिभुज है इसमें से जो तीनों बिंदु है ये आप यहाँ से इस त्रिभुज का भी कुछ भी निकालना हो आपको, जैसे क्षेत्रफल निकालना हो या फिर आपको इसका परिमाप निकालना हो, ठीक है, तो तीनों बिंदुओं से इनकी भुजाएं सब कुछ हम कर सकते हैं। ऐसे ही एक बिंदु जो दिए गए दो बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित हो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये बिंदु है ये और ये यहाँ से भी बराबर है, यहाँ से भी बराबर है, तो इस बिंदु का भी हम जो कहाँ पर है इसका जो निर्देशांक है इसके x और y है वैल्यूज़ हैं वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे है स्थिति एक, चार बिंदुओं से बना चतुर्भुज बिंदुओं ए बी सी और डी और इसी क्रम में लेने पर वर्ग बनता है ना, चार बिंदुओं से वर्ग बनता है आपका, ठीक है। इनको मैं मान ले लेती हूँ ए बी बी सी, ठीक है, और सी डी और डी ए, इस क्रम में इनको ले लेती हूँ, इनकी साइड्स बना लेती हूँ, तो क्या बनता है, एक चतुर्भुज बनता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपकी ये ए सी है, ए सी बराबर बी डी है, मतलब आपके जो विकर्ण है ना, विकर्ण आपके बराबर हैं क्योंकि ये ए बी सी डी था, तो ए सी बी डी के बराबर है, विकर्ण आपके बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या है, सम चतुर्भुज बनता है आपका। और यदि ये बराबर है लेकिन ये आपके बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या बनता है, आयत बनता है, ठीक है। और अगर यदि आपका ए बी बराबर सी डी है, बी सी, ये सारे बराबर हैं, आपके विकर्ण बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो क्या बनेगा, समानांतर चतुर्भुज बनता है, ठीक है। और यदि आपकी जो ए बी सी डी और ये आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं लेकिन आपके विकर्ण बराबर नहीं है, ठीक है, कब, ये आपके पॉइंट्स लिखे हुए ये आपको ध्यान रखने हैं, कब बनता है वर्ग, कब बनता है, जब आपकी चारों भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण बराबर है, तो वर्ग बनेगा, ठीक है ना। समचतुर्भुज कब बनेगा, जब चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है। आयत कब बनेगा, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर हैं। और समचतुर्भुज क्या बनेगा, आमने सामने वाली भुजाएं और विकर्ण बराबर नहीं है तब, ठीक है। दूसरी स्थिति, समान दूरी पर, ठीक है, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, समदूरस्थ समान दूरी पर जो बिंदु है उसको कैसे निकालना है। मान लीजिए आपको एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है आपको जो बिंदु ए बी से समदूरस्थ है, मतलब इनसे दोनों से बराबर ही दूर है, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ए बी से बराबर दूरी पे है ये, तो आपको इस पॉइंट के निकालना है, तो इसको भी कैसे निकाल सकते हो, यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ ये आपका पॉइंट है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, इस पॉइंट को निकालना है, तो पहले यहाँ पर लगा लूँ क्या, हमारा जो दूरी सूत्र है यहाँ लगा लिया, फिर यहाँ पे लगा लूँ दूरी सूत्र, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ लगा लिया क्योंकि यहाँ हमारे पास ए और बी के पॉइंट तो दिए हुए हैं ना, तो दूरी सूत्र लगा लेंगे, ए सी बराबर बी सी है, इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है, ए बी है यहाँ पे, ए सी बराबर बी सी है, ठीक है, ये बराबर है, तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगा लेते हैं। कैसे लगेगा दूरी सूत्र, इधर से क्या होगा, जो बीच वाला पॉइंट है ना आपका उसको हम मान लेते हैं एक्स वाई, ये है आपका ए बी और ये है आपका एक्स वाई, ठीक है, तो यहाँ से x में से a के पॉइंट क्या है, माइनस दो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, x प्लस दो हो जाएगा, फिर ऐसे ही y का करना है, y माइनस में क्या होगा, पाँच,
ये तो हो गया इस यहाँ तक का AC का। अब यहाँ तक का भी हमें दूरी सूत्र लगाना है, ये हमने यहाँ तक का लगा दिया। बस इसको आपको हल करना है, ये ऐसे ही क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, नीचे जो आज हमें दिए हुए क्वेश्चन आंसर्स वहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ है, वहाँ पे अच्छे से हम उसमें से करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो कट हो रहा है उसको कट कर दो, एक तरफ ले आओ सारी चीज़ें, और आपको क्या बन जाएगी, आपके पास एक इक्वेशन, एक समीकरण बन जाएगा। और इस समीकरण से भी आप वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो अगर आपको दी हुए हैं, ठीक है, तो वैल्यूज़ भी आप निकाल सकते हो, तो आपके पास पॉइंट्स निकल आएंगे, ठीक है ना। जैसे ये आपका पॉइंट है 4x + 4x = 9 - 25, 9 - 25 होता है 16, तो 4x + 4x होता है 8x, x की वैल्यू आपके पास आ गई है। अगर x और x की वैल्यू नहीं भी आई, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ कट गया है, y आपका जीरो हो चुका है, लेकिन अगर y भी होता तो ये समीकरण ऐसा कैसा रह जाता x और y का, फिर जैसे हम उसमें करते थे ना, x का कुछ मान रखो, y की वैल्यू निकल जाती, उस तरीके से निकाल सकते थे फिर हम उसको, ठीक है। कोई नहीं, आपको नहीं समझ में आया तो हम इसको भी समझ लेंगे, पहले एक बार जो वर्कशीट में दिया हुआ है इसके प्रयोग क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं एक बार फटाफट, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, बहुभुजों का परिमाप। बहुभुज का परिमाप, आपको चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात करना है दूरी सूत्र का प्रयोग कर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, शीर्षक ABCD, आपको चारों के चारों जो शीर्ष हैं, कोने हैं, वो दिए हुए हैं, तो आपको चतुर्भुज का परिमाप निकालना है, मतलब आपको क्या करना है, चारों भुजाओं को जोड़ना है। तो चारों भुजाओं को जोड़ कर ये आपका क्या होता है, दूरी सूत्र होता है, ये दूरी सूत्र हो गया। तो AB की वैल्यू निकाल लो, AB की वैल्यू क्या होगी, 4 - - में 2, ठीक है, जो यहाँ लिखा है, फिर 4 - - 4, यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी AB की 2। इसी तरीके से BC पे भी सूत्र लगा लो, ये है आपका BC, इस पे भी लगा लोगे -1 - -4, ठीक है, और यहाँ पे -5 - 4, ठीक है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई। फिर आता है CD में भी 1 - -1, और फिर यहाँ पे 5 - 5, CD की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से DA की वैल्यू आ गई, तो चारों भुजाओं की वैल्यू आ गई। परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं को जोड़ दो, चारों भुजाओं को जोड़ने के बाद 2 + √10, 2 + √10, ठीक है, ये आ जाएगा। इनको जब आप जोड़ोगे, सॉरी 3 √10 है यहाँ पे, इनको जब आप जोड़ोगे तो देखो 2 - 2 = 4 होता है, रूट वाले एक साथ दो लो, 3 √10 और 3 √10 = 6 √10 होगी, ये क्या हो जाएगा, आपका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम नीचे करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से समझ आ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है संरेखी, एक ही रेखा पर जो बिंदु हैं, ठीक है, या फिर त्रिभुज अगर आपको बोला जाए, तो कैसे निकालोगे, तो ज्ञात का आपको क्या करना है, PQR आपको 3 पॉइंट दिए हुए हैं, इससे या तो एक रेखा बन सकती है या चतुर्थ 3 पॉइंट से एक त्रिभुज बन सकता है। तो मान लीजिए हर जो 3 बिंदु हैं PQR एक ही रेखा पर है, मतलब ये संरेखी है, तो इसका मतलब जो PQ + QR है वो इस PR के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, है ना। और लेकिन अगर ये चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज होगा कब होगा, यदि जो PQ + QR किससे बढ़ाओ, तीसरी भुज, ये आपकी प्रमेय होता है ना कि जो दो भुजाओं का योग है वो तीसरी से ज़्यादा होता है ना, त्रिभुज का आपने पढ़ा होगा ये तो बचपन से ही। इसी तरीके से कोई भी दो आपकी भुजाएँ हैं तीसरी से बड़ा होगा इनका योग, ये अगर हो रहा है तो इसका मतलब त्रिभुज बन रहा है। उसके बाद हम सूत्र लगा देंगे, वही त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल सकते हैं, कैसे, आपके पास PQ है तो PQ के निर्देशांक और Q के निर्देशांक, इससे दूरी सूत्र लगा के PQ का मान निकाल लिया। इसी तरीके से फिर हमने QR का मान निकाल लिया, फिर PR का मान निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद PQR का मान निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, देखो √5 और √5 क्या हो रहा है, 2 √5 के बराबर आ रहा है ना, आ रहा है ना, तो इसका मतलब PQR तथा R क्या है, संरेखी है, त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये आ रहा है हमारा इसकी बजाय, ठीक है, ये आ रहा है, तो ये क्या है, संरेखी है। तो इससे ये भी पता लग जा सकता है कि वो जो 3 बिंदु है उससे क्या बनेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, ठीक है, ये रहे आपके पाँचों क्वेश्चन का हल हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है आपका, बिंदु STQ ये दिए, इनसे बनने वाला त्रिभुज का प्रकार ज्ञात कीजिए, किस प्रकार का त्रिभुज आपका बनेगा। देखो तीनों भुजाएं आपकी बराबर हैं, या फिर दो भुजाएं बराबर हैं, या फिर क्या है आपकी एक भी भुजा बराबर नहीं है, किस तरीके का त्रिभुज बनेगा वो पता लगाना है। उसके पता लगाने के लिए हमें तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी, तो चलिए तीनों भुजाएं निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। सो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे जिससे हमें रफ आइडिया हो जाएगा कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने त्रिभुज बनाना था, हमें किस प्रकार का ये निकालना है, हमने तो एक त्रिभुज बना लिया, उसके पॉइंट्स हमने लिख लिए जो क्वेश्चन में आपको दिए हुए हैं पहले से, तो ये तीनों पॉइंट्स हैं। तो मैं ये भुजा मुझे निकालनी है, कैसे निकालूंगी, दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लूंगी, दूरी सूत्र होता है ये, तो दूरी सूत्र के अंदर जब मैं वैल्यूज रखूंगी, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, -6 में से -2 माइनस करो, फिर 1 में से
माइनस माइनस पाँच, ठीक है। देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कैसे किया, एक में से माइनस किया मैंने माइनस पाँच, माइनस पाँच तो एक प्लस पाँच हो गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे एक प्लस पाँच लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस आठ का वर्ग, एक प्लस पाँच छः का वर्ग, ये क्या होता है आठ का वर्ग चौंसठ, छः का वर्ग होता है छत्तीस, चौंसठ प्लस छत्तीस सौ होता है, जो कि आता है मेरा दस। तो एस क्यू ये भुजा कितनी आ गई, दस आ गई, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी भुजा निकाल लो क्यू टी, क्यू टी भी क्या करना है आपको, जो आपका दूरी सूत्र है इसके अंदर वैल्यूज़ रख दो, माइनस छः में से माइनस तीन माइनस करो, या फिर तीन में से, मतलब क्यू टी निकालना ऐसे भी कर सकते हो, तीन में से माइनस छः कर लो, ठीक है, फिर जीरो में से एक माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो वैल्यूज़ हैं क्या आ जाएंगी, तीन प्लस छः और इधर माइनस एक का वर्ग, नौ का वर्ग इक्यासी और एक, मतलब बयासी आया, बयासी का रूट आया, ये क्या है दस आया था, ये क्या है आपका रूट बयासी आया। अब इसी प्रकार आपको तीसरा निकालना है, एस और टी से टेप क्या करना है, दूरी सूत्र लगा दो। तो दूरी सूत्र हम लगाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तीन माइनस दो, मतलब ये आपके पॉइंट जो निर्देशांक है सिर्फ हमने वैल्यूज़ रखी हैं, तो यहाँ से आपका रूट छब्बीस आएगा। तो अब देखो यहाँ पे एक क्या आया आपके पास, एक आया दस, एक आया रूट बयासी, एक आया रूट छब्बीस, तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, विषम बाहु, है ना, जिसमें क्या है समबाहु में तो तीनों भुजाएँ बराबर हो जाती हैं, क्या है विषम बाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे एस क्यू, क्या है यहाँ पे एस क्यू बराबर नहीं है क्यू टी के, ना बराबर है एस टी के, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है एस क्यू टी एक विषमबाहु त्रिभुज है, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर वन। आगे बढ़े, बिल्कुल आसान था, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। दूसरा प्रश्न है आपका, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए, आपको चतुर्भुज दिया हुआ है समानांतर चतुर्भुज, उसका परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का जोड़ होता है, तो चारों भुजाएं का जोड़ है तो चार भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। तो आपको निर्देशांक दे रखे हैं ए बी सी डी, ठीक है, सिर्फ कोने दे रखे हैं, तो इन कोनों से हम इनकी जो ये भुजाएं ये निकाल सकते हैं और इन चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर टू का उत्तर, देखिए क्या आएगा यहाँ से, जो डी है सबसे पहले दूरी सूत्र मैंने यहाँ पर लिखा है आपका, ये क्या है आपका जो हमने चतुर्भुज बना लिया समानांतर चतुर्भुज, इसके पॉइंट से रखे थे ए बी सी डी, चारों पॉइंट्स लिख लिए। अब मैं भुजाएं निकालूंगी, सबसे पहले ए बी निकालूंगी, ए बी कैसे निकालूंगी, चार में से सात में से कैसे भी निकाल सकते हो, सात में से चार माइनस कर दो, छः में से पाँच माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका नौ प्लस एक दस आ जाएगा। नौ कैसे आया, सात में से चार गए तीन, तीन का वर्ग होता है नौ, छः में से पाँच गया एक, एक का वर्ग होता है एक, तो नौ प्लस एक रूट दस आ गया, ठीक है। फिर है बी सी, यहाँ पर क्या है बी सी है, तो इधर से क्या हो जाएगा आपका चार माइनस सात, ठीक है, और तीन माइनस छः, चार माइनस सात तीन माइनस छः, इसको हल करोगे तो आपके पास आएगा तीन रूट दो, ठीक है। फिर देखो सी डी है आपका, क्या हो जाएगा सी डी में भी इसी तरीके से ये निकालना है आपको, ठीक है, एक माइनस चार और दो माइनस तीन, ठीक है, इसका आ जाएगा रूट दस, इसी तरीके से ये वाला निकाल लो। सब में क्या किया, सिर्फ दूरी सूत्र रखा है मैंने, सब में वैल्यूज पुट करी है, यहाँ से भी तीन रूट दो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास चारों भुजाएँ आ चुकी हैं, आ चुकी है ना, ये हो गई आपकी पहली भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, चारों भुजाओं का जोड़ लिख दिया हमने, तो ए बी हमारे पास रूट दस निकला है, बी सी हमारे पास तीन रूट दो निकला है, सी डी हमारे पास रूट दस और ए डी तीन रूट दो, तो दस और दस दो रूट दस हो गई, और तीन रूट दो और तीन रूट दो, तो तीन और तीन छः रूट दो हो गए टोटल, तो ये हो जाएगा आपका परिमाप। सिर्फ ये है आपका छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू इतना ही है बस, ये कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। प्रश्न नंबर दो का भी हल हो गया, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीन पर। प्रश्न तीन क्या दिया हुआ है आपको, बिंदु हैं आपके पास, ये चारों बिंदु दी हुई हैं, इससे बने आपको चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो ज्ञात करना है, ये पहले ये देखना है कि ये चतुर्भुज है कि नहीं, ठीक है, ये चतुर्भुज है, फिर ये देखना है कि किस प्रकार का है, ये क्या है। संकेत आपको ये जांचना है कि क्या बिंदु संरेख है कि नहीं, चतुर्भुज बन रहा है या बिंदु संरेख बन रही है, ये आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर तीन का हल कर लेते हैं। संरेख के लिए क्या करना होता है, देखो ये आपके जो चारों बिंदु हैं, ठीक है, ये चारों आपकी बिंदु हैं, जो चारों बिंदु, अगर ये एक ही जो पॉइंट है आपके सारे के सारे एक ही रेखा पर है तो वो क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो ये भी चेक कर लेंगे अगर इनका जोड़ आता है कि नहीं, कर लेंगे ये पे। अब देखो ए बी सी डी ये आपके क्या हैं, तीनों के तीनों और चारों के चारों आपको निर्देशांक दिए हुए हैं, तो यहाँ से जो डी है ये क्या है,
मतलब आपका जो दूरी सूत्र है वो क्या है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसमें से क्या करेंगे हम, हमारा एक पहले चतुर्भुज बना के देखेंगे, ठीक है, या फिर चतुर्भुज मत बनाओ, ए बी पॉइंट ले लो बस सीधा, ए बी सी डी चार पॉइंट है ना आपके पास, ए बी सी डी, तो पहले ए बी ले लो, फिर बी सी ले लो, फिर सी डी और फिर डी ए, इससे ये हमें पता लग जाएगा कि वो क्या है, चतुर्भुज बनेगा, संरेख बनेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ए बी है, सबसे पहले आपको निकालना है ए बी, तो क्या करेंगे, माइनस छः माइनस में नौ और चार माइनस में एक, है ना, इसको हल करो दूरी सूत्र से, तो इसका मान जो ये भुजा आपके पास आई है कितनी आई है, तीन रूट दो आई है। इसी प्रकार हमें ये भुजा निकालनी है, दूरी सूत्र लगाओ, जीरो माइनस माइनस में छः और दो माइनस चार, तो क्या आ जाएगा, छत्तीस प्लस चार रूट चालीस, दो रूट दस, ठीक है। फिर है सी डी, सी डी क्या है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस तीन में से ज़ीरो, ठीक है, सॉरी यहाँ पे सी डी ये है वैल्यूज़ मैंने, हाँ ठीक है, सी डी ये माइनस तीन और ज़ीरो रखा है और फिर माइनस एक माइनस दो, यहाँ से इसकी वैल्यू निकल गई। फिर इसी प्रकार से ए डी ये भी निकल गई। अब हमारे पास चारों भुजाएं निकल गई, चारों भुजाएं निकल चुकी हैं, अब इसमें से चेक कर लो संरेखी बनेंगी कि नहीं, चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, सबको जोड़ने के बाद क्या आएगा ये देखो, इक्वल आ पाएगा कि नहीं, अगर इनको टुकड़ों में जोड़ते हैं हम, ठीक है, टुकड़ों में जैसे ए बी को जोड़ो, बी सी को जोड़ो, सी डी को जोड़ो, ठीक है, इनको जोड़ के देखो आपस में और वो पूरे के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, और आपको ए बी, अब ये बराबर तो है नहीं चारों के चारों, यहाँ पे ए बी बराबर सी डी है, ये देखो ए बी बराबर सी डी है और ये इसके बराबर है, बी सी बराबर ए डी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। सबसे पहला ये पॉइंट हो गया, ये चेक करना था चतुर्भुज है कि नहीं, तो ये हो गया हमारे पास कि ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज है तो ये ज्ञात करना था कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, वो ज्ञात करने के लिए हम विकर्ण से ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, जो इसकी विकर्ण है, मतलब ये चेक करने हैं ये बराबर आएंगे, ये बराबर आ जाएंगे तो आयत हो सकता है, बराबर नहीं आएंगे तो ये समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर इनको माप, अब इनका इनके बीच में दूरी सूत्र लगा दो, जीरो माइनस माइनस में नौ और दो माइनस में एक, यहाँ से ये क्या आ जाएगा आपके पास, रूट बयासी आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे भी दूरी सूत्र लगा दिया, ये क्या आ जाएगा, रूट चौंतीस आ जाएगा। अब ये दोनों बराबर तो है नहीं, ठीक है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी सी डी क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका प्रश्न नंबर तीन, क्लियर। चलिए अब हम चलते हमारे चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि बिंदु माइनस आठ और पाँच और एक्स अक्ष के बीच की दूरी आपको निकालनी है। मान लीजिए ये आपका कहाँ पर बनेगा, ये आपका ग्राफ है, इसके अंदर आपका जो बिंदु है माइनस आठ, एक्स इधर है, ठीक है, और पाँच है ये, तो यहाँ पे ये है, तो इसने बोला है कि एक्स अक्ष यहाँ पे, तो माइनस आठ इधर होगा, एक्स इस बिंदु की दूरी ये कितना है, ये तो पाँच होगा ना, तो कितनी दूरी होगी इसकी, आप लिखोगे यहाँ पे, आंसर आ जाएगा आपका पाँच इकाई है, ठीक है। फोर्थ का आंसर क्या है, पाँच। पांचवा और आखिरी प्रश्न है आपका, x और y के बीच एक संबंध खोजें ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदु, ये जो आपको दो बिंदु दिए हुए हैं, इनसे समान दूरी पर हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, देखो प्रश्न नंबर पाँच है ये। सबसे पहले मैंने चौथे का आंसर लिखा हुआ है, पाँच आएगा। पांचवा प्रश्न क्या दिया हुआ, ये आप ये कह रहा है कि ये एक बिंदु है एक्स वाई, ये दो बिंदुओं से ए बी से समान दूरी पर है, मतलब ए बी ये भी इतना ही है और ये भी इतना ही है, दोनों से समान दूरी पर है, ए पॉइंट के निर्देशांक दे रखे हैं, बी पॉइंट के भी दे रखे हैं, तो निकाल सकते हैं हम कैसे, ये दोनों समान दूरी पे हैं, तो मैं क्या कर लूँगी, इसको मान लेती हूँ सी, यहाँ पे सी भी लिख लेना, मैं भूल गई लिखना सी, तो ए सी बराबर किसके आएगा, सी बी के बराबर आएगा, तो ए सी बराबर सी बी है, तो यहाँ पर यहाँ तक क्या लगा दो, दूरी सूत्र लगा दो, कैसे लगाओगे, एक्स माइनस तीन और वाई माइनस सात, है ना, वर्क इस प्रकार। अब यहाँ पर लगा दो दूरी सूत्र, पाँच माइनस एक्स और चार माइनस वाई, है ना, बस अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल वर्ग, ठीक है, आइडेंटिटी है ये हमारी, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वही मैंने यहाँ पे लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, फिर वो यहीं पे यहाँ पर भी लगानी पड़ेगी, क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसी प्रकार से यहाँ पे भी, ठीक है, अब यहाँ पर भी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ओ बी, और फिर यहाँ पे भी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, वैल्यूज़ रखी है सिर्फ मैंने। अब यहाँ पे एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, अब सारे पॉइंट्स जो हैं क्या करेंगे, ऐड करके देख लो, 49 प्लस 9 58 होता है, माइनस 6, और यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 14y, इधर देखो 25 और 16 कितना होता है, 41 होता है, माइनस 10x और माइनस 8y है यहाँ पे, ठीक है,
फिर यहाँ से क्या करेंगे 58 माइनस, अब ये जो सारे हैं इनको इस तरफ ले आएंगे, इधर इस तरफ लेके आएंगे तो सबके साइन बदल जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हल कर लो, x को x से प्लस करो, y को y से प्लस करो और संख्या को संख्या से करो। 58 माइनस 41 17 होता है। ठीक है, 6x और 6 माइनस 6x प्लस 10x 4x होता है, माइनस 14y और 8y माइनस 6y होता है। तो यहाँ से 4x माइनस 6y प्लस 17 शून्य के बराबर आया है। ठीक है, ये मेरा समीकरण आया है। तो इसने क्या बोला था, ये समीकरण हमें बनाना है, वैल्यूज़ अगर बोला जाए तो आप क्या कर लो, x की जगह 1 रखो, y की वैल्यू निकाल लो, फिर x की जगह 2 रखो, y की, कितनी भी वैल्यूज़ निकाल सकते हो मन चाहे। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन जाता है। ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। तो ये पांच क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।